तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो के साथ। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है आनंद और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल आनंद डीटीएच सैटेलाइट। सॉरी दोस्तों, आनंद डीटीएच सैटेलाइट का जो अभी भी भूत उतरा नहीं है। बहुत प्यारा चैनल मेरा था, 41,483 सब्सक्राइबर थे जो कि मुझसे जुदा हो गए। फिर भी मेरी एक पहल है कि आप लोगों से वापस से मैं कनेक्ट हो पाऊँ। बस यही चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और प्यार बरसाएं, और कुछ नहीं। तो आइए आज के इस टॉपिक पर बात करते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वतन एचडी चैनल हो, जो कि अलग अलग सैटेलाइट को सेट करने के लिए शौकीन हैं। जी हाँ, जैसे अगर हम बात करें तो सी बैंड का कोई सैटेलाइट ले लीजिए, चाहे क्यू बैंड की सैटेलाइट ले लीजिए, जो कि सेट करना पसंद करते हैं और उन चैनलों को बड़े चाव से भी देखना पसंद करते हैं, चाहे वो लैंग्वेज कोई भी हो, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। तो इस तरह के लोग चैनल देखना पसंद करते हैं, जो बहुत लोगों में होता है, जैसे मैं। बात करें यहाँ पर तो आप लोगों के पसंद का जो भी सैटेलाइट होता है वो मैं आप लोगों को सेट करता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि इस प्रकार से सेट की जाती है और ये फ्रीक्वेंसी होती है। LMB ऐसे रखते हैं, ये एरिया में ये इसका सिग्नल है। सारी चीज़ें मैं मेंशन करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताता हूँ, जो कि आप लोग थोड़ा बहुत उसमें आप भी अपना कुछ दिमाग लगाकर सैटेलाइट को सेट करते हैं और मुझे कमेंट करके बताते हैं। बात करें दोस्तों तो कई लोग ऐसे हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या हम IPL वगैरह भी देख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक सैटेलाइट है जिसका नाम है 40 डिग्री ईस्ट सैटेलाइट, जो कि एक्सप्रेस M7 सैटेलाइट है, जो कि अफगान की सैटेलाइट है। जी हाँ, अफगानी साइड का ये सैटेलाइट है जो कि यहाँ पे टेलीकास्ट होता है। लेकिन बहुत लोगों का मोस्टली, इसलिए इस वीडियो को तैयार कर रहा हूँ, मोस्टली लोगों का ज़्यादा कॉमेंट मेरे पास आया, करीबन 28 से 29 कॉमेंट ऐसे हमारे पास में है जिसमें बात की है लोगों ने कि मैं उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, केरल, ऐसे ऐसे जगहों पर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हैदराबाद और कुछ हिस्से पंजाब, ऐसे जगहों से लोग, मतलब इंडिया के 2800 राज्यों से लोगों ने कमेंट किया है। उन्होंने बोला है कि 40 डिग्री ईस्ट पे शाम के टाइम जो है ब्लैक स्क्रीन हो जाता है। अब हम क्या करें, कैसे सेट करें, जो कि अगर मैं फ्रिक्वेंसी की बात करूँ, 11630 हॉरिजेंटल, 10500 है और ये फ्रिक्वेंसी पर आपको ऑल इंडिया ओवर में सिग्नल मिलता है क्यू बैंड पर, छोटी छतरी पर। लेकिन अगर आप ब्लैक स्क्रीन नहीं देखना चाहते हैं और देखना चाहते हैं फुल एंटरटेन के साथ में चैनल, तो आपको सेट करना होगा एक्सप्रेस AM6 सैटेलाइट, जो कि मैंने 7 के बारे में बताया, ऑल इंडिया कवरेज है। लेकिन जो मैं एक्सप्रेस AM6 सैटेलाइट की बात कर रहा हूँ, ये सैटेलाइट का कवरेज पूरे इंडिया में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत राज्यों से लोग कमेंट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि यहाँ पे इसका सिग्नल मुझे नहीं मिल रहा है, और बहुत लोग बताते हैं कि मेरे यहाँ सिग्नल मिल रहा है। तो यहाँ पे यही मैं मान के चलता हूँ, मैंने खुद पर्सनली, मैं गया था अपने गांव उत्तर प्रदेश जौनपुर में, और वहाँ पे मैंने 2 फीट के डिश पर एक्सप्रेस AM 53 डिग्री मैंने सेट किया और प्रॉपर तरीके से वहाँ पे मैंने वीडियो भी बना के आप लोगों को दिया, जो कि मेरे पुराने चैनल पे आनंद DTH सैटेलाइट पे। लेकिन आज के डेट में बात करें तो वो सैटेलाइट बिहार के कुछ हिस्सों में, जैसे गया, बलिया और मेरठ साइड में, कानपुर, इलाहाबाद, ऐसे जगहों पे 2 फीट पे लाजमी हो ही जाता है। लेकिन बात करें कोलकाता साइड में, तो वहाँ पे 3 फीट की डिश अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी तरीके से सेट कर सकते हैं। राजस्थान, गुजरात, ऐसी जगहों पे, और बाकी महाराष्ट्र, पुणे, ऐसी जगहों पे आप सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा और कोई राज्य में जाना चाहते हैं, जैसे पुणे के बाहर के इलाके, जैसे कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ऐसी जगहों पर, तो कम से कम 4 फीट से 6 फीट डिश इस्तेमाल करेंगे, तब आपको एक्सप्रेस AM6 सैटेलाइट का जो कि सिग्नल मिलेगा। तो यहाँ पे बस यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, जो कि 53 डिग्री ईस्ट का जो फ्रिक्वेंसी है, 11560 हॉरिजेंटल, 10500 है, और सैम्बो रेट दोनों सैटेलाइट पे सेम है, और पोलराइजेशन भी सेम ही है, हॉरिजेंटल उस पर भी है, इस पर भी है, लेकिन फ्रिक्वेंसी में थोड़ा सा चेंज बदर है। और अगर बात करें यहाँ पे 11560 जो हॉरिजेंटल फ्रिक्वेंसी है, इस फ्रिक्वेंसी पे ऑल इंडिया में कवरेज नहीं है इस सैटेलाइट पे। तो आप चाहें तो थोड़ी डिश अगर आप बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं, ले सकते हैं, तो आप आराम से इंजॉय कर सकते हैं एक्सप्रेस AM 53 डिग्री सैटेलाइट को सेट करके। और दोस्तों यहाँ पे बहुत लोगों का मोस्टली क्वेश्चन ये भी है कि क्या हम मल्टी सैटेलाइट में भी क्या सेट हो सकती है, 53, 52 या DD 3D या और भी बहुत सारी सैटेलाइट है। तो उन सभी लोगों को मैं बस यही कहना चाहूँगा कि देखिए, आप लोग कमेंट करेंगे, उस कमेंट के आधार पे मैं रिसर्च करूँगा। मैं खुद उस पर घंटा, 2 घंटा 4 घंटे 6 घंटे मैंने लगाए हैं, अभी तक 10 घंटे लगाते थे हम लोग, 15 15 20 20 घंटे एक दूसरे से हम लोग कॉन्टैक्ट करके जो है हम लोग सैटेलाइटों को सेट करते थे और उसका चैनल निकालते थे, फिर उसको बिगाड़ते थे, फिर सेट करते थे, उस पर आप लोगों को वीडियो बनाते थे, ताकि
आप लोगों को और इजी से इजी तरीके से हम बताएं कि आपका 4 से 6 घंटे जो बर्बाद हो रहे हैं वो 10 मिनट के वीडियो आपका काम कर दे। बस यही मैं मेहनत से आपको आप लोगों के लिए मैं कंटेंट तैयार कर रहा था, आगे भी इस पे कंटेंट तैयार करता रहूंगा। बस यही कहूंगा कि जो हमारे पुराने लोग थे वापस से मुझसे मिले और कमेंट करके मुझे बताया कि मैं भाई इस चैनल पे भी हूं और आगे भी रहूंगा और आपके साथ में अभी भी हूं। तो बस मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। और बाकी रहा सवाल देखने के लिए, तो बस यही 2 सैटेलाइट है जहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलता है, पर यह है 40 डिग्री ईस्ट पर ब्लैक स्क्रीन हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे भी बहुत दुख हुआ कि कई बार कई दिनों से ब्लैक स्क्रीन हो जा रहा है। मैं खुद चेक किया और कल की डेट की बात करें तो 53 पे फर्स्ट क्लास का चला, परसों भी चला और 900 भी चला। तो बस यही कहना चाहूँगा कि 53 का जहाँ हो सके आप सेट कर लीजिए। अगर आपके यहाँ सेटिंग करने पे सिग्नल नहीं आती है, मैं 53 की वीडियो बना के ऑलरेडी इस चैनल पे डाल के रखा हूँ, उस वीडियो को आप लोग 2 बार 4 बार 10 बार देखिए और 2 फिट पे आप लोग ट्राई करिए। अगर हो जाएगा तो ऑल द बेस्ट, अगर नहीं होता है तो 40 डिग्री सेट करिए, थोड़ा बहुत आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा। कुछ यही अपडेट था जो कि आप लोगों के साथ में शेयर किया हूँ। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हाँ मैं आ चुका हूँ। चलिए, वंदे मातरम।